जी रेणुका जसरोटिया, वर्कर एंड हेल्पर यूनियन कठुआ से। आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है। आप सबको पता होगा कि एचआर पॉलिसी हमारे जो एलजी है उन्होंने लागू की है, 60 साल की जो वर्कर है उनको रिटायर कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं रिटायर करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आप रिटायर कर रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बात यह है कि कम से कम इन बहनों को पेंशन, ग्रेजुटी स्कीम, जिसके लिए हम 2018 में भी हमने 5-6 महीने बैठे थे, स्ट्राइक की थी, हमने अपनी डिमांड रखी थी, तो उस बेस पे हम बोल रहे हैं कि इनको रिटायर करो, लेकिन कम से कम पेंशन तो दो इनको, जो इनकी इनका हक बनता है। क्योंकि अगर ये रिटायर हो जाएंगी तो ये कहाँ से खाएंगी, क्या करेंगी ये? इन्होंने 2018 की जो हमारी पैसा है 5 महीने का, वो भी नहीं इन्होंने दिया हुआ है। पे हमारी जो स्टेट है काम हमसे भरपूर ले रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है। एलजी सर को रिटायर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन लड़कियों ने इतना काम किया है, इनका 1.5 साल से हमने वेतन नहीं दिया है। स्टेट जो है 1.5 साल से हमें कुछ नहीं दे रही है, फ्री में काम करवा रही है। सेंटर से हमें 7-8 महीने हो गए हैं, तब भी हमें कोई हमारा पैसा नहीं आया हुआ है। वर्करों को 2 साल से इन्होंने मोबाइल दिए हैं, लेकिन मोबाइल में एक बार भी इन्होंने पैसे नहीं डलवाए हैं। पोषण ट्रैकर का काम इतना दिया हुआ है, हर रोज मोबाइल पे काम करो, अटेंडेंस लगाओ, पोषण ट्रैकर का करो, वेट चढ़ाओ, इम्यूनाइजेशन का करो, न्यूट्रिशन का काम करो, लेकिन क्या फोन खाली चलते हैं? फोन किससे चलते हैं? फोन भी उसमें पैसे डालेंगे, रिचार्ज कराएंगे तभी चलेंगे ना। लेकिन इन्होंने 2 साल से वर्कर को कोई उसका भी पैसा नहीं दिया हुआ है। हमें पोषण ट्रैकर पे काम करते हैं उसका कोई पैसा नहीं है। इम्यूनाइजेशन हमारे पास, हम इतना काम कर रहे हैं हर फील्ड में, हम काम कर रहे हैं। डिमांड क्या है? हमारी यही डिमांड है कि अगर आप इन वर्कर्स को रिटायर कर रहे हो, मोस्ट वेलकम। ये भी कर रही है, इनका किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिटायरमेंट पर, लेकिन ये है कि आप इनको जो इनका पिछला पैसा है 2018 का, और ये जो 1.5 साल की इनकी स्टेट की पैसा है, और इनका सेंटर का है जो पैसा, वो दो। इनका इनका मोबाइल का बिल जो है 2 साल से इन्होंने यूज किया है, वो भी इनको दो। हेल्पर यूनियन कठुआ से आज हम यहाँ पार्क में इकट्ठे हुए हैं अपनी डिमांड को लेकर, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें वो हमारी अबाव 60 ईयर जो वर्कर और हेल्पर है उनको रिटायर कर रहे हैं। हम उस पॉलिसी का तो वेलकम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, इस 60 साल की रिटायरमेंट वो हमें मंजूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वर्कर और हेल्पर को कुछ ना कुछ ग्रेजुटी दी जाए और उनको पेंशन दी जाए, क्योंकि सरकार ओल्ड एज पेंशन भी तो देती है, तो हमारी वर्कर और हेल्पर को कुछ ज्यादा दे करके उसको भी थोड़ी बहुत पेंशन जो है वो दी जाए। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो ये आंगनवाड़ी वर्कर जे महिलाएं हैं, ये भी तो किसी की बेटियां हैं। हमारे द्वारा कई बेटियों के लिए पॉलिसी बनाई गई है, उनको जो लागू किया गया है उनके लिए हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम सरकार को मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे फोन का रिचार्ज का बिल 2 साल का नहीं दिया तो हम पोषण ट्रैकर पे कोई भी काम नहीं करेंगे, और अपना जो पोषण ट्रैकर का काम है बिल्कुल बंद कर देंगे जितनी देर तक हमारा रिचार्ज हमारे अकाउंट में।